दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शुमार भारत के 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 293 सीटों के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया अलायंस को 234 सीटें हासिल हुई हैं। मोदी की अगुवाई में बीजेपी पिछली दो बार की तरह इस बार अकेले बहुमत को हासिल करने में चूक गई और सिर्फ 240 सीटें ही हासिल कर सकी। एनडीए की परफॉर्मेंस को लेकर के पाकिस्तान से काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान के राजनयिक और पत्रकार बीजेपी की सीटें कम होने पर और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की शानदार परफॉर्मेंस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, सांप्रदायिकता, कट्टरता और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र को खारिज करने के लिए भारत के लोग सराहना के पात्र हैं। अब्दुल बासित लोकसभा नतीजों की ओट में कश्मीर का राग अलापने से बाज नहीं आए और उन्होंने लिखा, श्रीनगर से लेकर कारगिल तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उम्मीदवारों की चुनावी हार ने बिना किसी शंका के बता दिया कि कश्मीरी आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की पिछली इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी भी लोकसभा नतीजों पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन मैं दावा करता हूं कि उनकी सरकार के 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने की तनिक भी संभावना नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन अपने पत्ते सही से खेलता है तो भारत में मध्यावधि चुनाव कराने होंगे। तो वहीं पाकिस्तान के पत्रकार साबिर शाकिर ने पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के पहले पन्ने की तस्वीर शेयर की और लिखा, संविधान और लोकतंत्र की सर्वोच्चता ने ताकत और नफरत को हराया, सबक लेना चाहिए। पाकिस्तानी पत्रकार ने जो तस्वीर शेयर की उसमें अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा है, मोदी मुस्लिम फ्रेंडली सहयोगियों की दया पर। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया सलाहकार रहे उमर आर कुरैशी ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय मुसलमानों को बीजेपी नेताओं ने कमतर बताया। भारतीय मुसलमानों को बीजेपी नेता आतंकवादी कहते हैं, बीजेपी नेता भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, बीजेपी नेता भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं, बीजेपी भारतीय मुसलमानों को विवाह के उनके अधिकार के इस्तेमाल से रोकती है, बीजेपी मुसलमानों को अपनी इच्छानुसार पढ़ने और कपड़े पहनने के अपने अधिकार से रोकती है, भारतीय मुसलमान अपनी खान पान की आदतों के कारण मारे जाते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। कुरैशी ने जो ट्वीट रीट्वीट किया है उसमें लिखा है, इस चुनाव से मिला अहम सबक, आप चाहे कितना भी उनके लिए कर लें, मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के पत्रकार हामिद मीर ने भी लोकसभा चुनाव नतीजों पर टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर लिखा, खुफिया एजेंसियों समेत तमाम सरकारी संस्थाएं प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी थीं और उनके लिए हर तरह से काम कर रही थीं, फिर भी प्रधानमंत्री की पार्टी को मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं मिल सके। क्या भारत के चुनाव नतीजों में हमारे लिए कोई सबक है या नहीं? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।